आज हम जानेंगे मार्टिन लूथर के बारे में। हम सभी ने कभी ना कभी मार्टिन लूथर का नाम सुन रखा है, और अगर नहीं सुना है तो आइए जानते हैं मार्टिन लूथर के जीवन के बारे में। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में 1483 में हुआ था। उनके पिता कोल माइन में काम करते थे। भले ही लूथर के पिता गरीब थे, मगर बचपन से ही उनके पिता लूथर को पढ़ाना चाहते थे। इसलिए जब मार्टिन लूथर बड़े हुए तो उन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि वो एडवोकेट बन सके। मगर जल्द ही उनका जीवन इस लॉ कॉलेज में बदलने वाला था, और साथ ही ये लॉ कॉलेज क्रिश्चियन हिस्ट्री का इतिहास भी बदलने वाला। आप कहेंगे कि हमें मार्टिन लूथर के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। मार्टिन लूथर के बारे में जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मार्टिन लूथर से पहले वर्ल्ड में सिर्फ दो ही टाइप के क्रिश्चियंस थे। पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में थे, और सेकंड रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस, जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में थे। वो मार्टिन लूथर ही थे जिसकी वजह से हम और आप अपने आप को कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग कर पाए हैं, और आज हम खुशी खुशी अपने आप को प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कह सकते हैं। मार्टिन लूथर इस बात से बड़े खुश थे कि अब उनको बार बार प्रीस्ट के पास नहीं जाना होगा अपने पापों की क्षमा को मांगने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ना कि प्रीस्ट के अंगीकार से जो वो प्रीस्ट के सामने करता है। और ये बहुत बड़े चेंज को लेकर आने वाला था। मगर इसके साथ ही जर्मनी में कुछ और भी होने वाला था जो चर्च के इतिहास को बदल के रख देने वाला था। आइए हम देखते हैं जर्मनी के और उस समय के एक कॉन्टेक्स्ट को। और उस समय का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो पोप लियो 10 था, उसको रोम का चर्च बनाना था, और उस रोम को चर्च को बनाने के लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए थे। मगर उस टाइम पोप लियो 10 के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पोप लियो 10 ने किंग एल्बर्ट के साथ एक डील की, और वो डील थी इंडल्जेंस की। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंडल्जेंस क्या होता है। और उस डील में पोप लियो 10 ने किंग एल्बर्ट से कहा, तुम इंडल्जेंस अपने देश में बेच सकते हो, मगर इंडल्जेंस से जो पैसा आएगा उसका 50% तुमको मुझे देना होगा। पोप लियो 10 और किंग एल्बर्ट की इस डील से वो दोनों खुश थे। किंग एल्बर्ट इस बात के लिए राजी हो गए। तो किंग एल्बर्ट ने जर्मनी में अपनी डील को बनाए रखने के लिए इंडल्जेंस बेचना शुरू कर दिया। काफ़ी मात्रा में लोग इंडल्जेंस के लिए आने लगे। लोग चाहते थे कि उनके पास इंडल्जेंस रहे, उनके मरे हुए लोगों के लिए वो इंडल्जेंस खरीदने के लिए आते थे, क्योंकि इंडल्जेंस था अब वो सर्टिफिकेट जिससे आप स्वर्ग जा सकते हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको इंडल्जेंस लेना होगा। ये सब चीज़ें मार्टिन लूथर देख रहे थे, और ये सारी चीज़ें मार्टिन लूथर के चेहरे में एक गुस्सा लेकर आने वाली थी, जिसका प्रत्युत्तर ये था कि वो कुछ आगे करने वाले थे। फिर क्या था, मार्टिन लूथर पहुंच गया लेकर हथौड़ा, कील और पेपर लेकर, और पहुंचा कहां पर? वो पहुंचा चर्च के डोर के पास, और वहां पे उसने चर्च के डोर पर उसने ठोक दिए 95 थीसिस, जो कि पॉइंट के रूप में थे, और ऐसे स्टार्ट हो गया रिफॉर्मेशन। और जब रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो प्रोटेस्टेंट चर्च भी स्टार्ट हो गया। जय मसीह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय मसीह की।